मतलब मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, बड़ा ख़तरनाक वाला घिसाई है। ठीक है, यहाँ तक तो देखो पूरा ख़राब हो गया, मतलब पता नहीं कितनी ज़िंदगी इसकी चलेगी। ये देखो, चेन स्प्रॉकेट का एक अपडेट मांग रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई, अगर आप एक सुपर मेट्योर ओनर हो तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है शायद आपके लिए भी, क्योंकि मेरी बाइक के साथ एक ख़तरनाक इशू आ रहा है, और मे भी आपके साथ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये दिखाऊं दोस्तों, तो ये देखो यार, ये जो है ना पूरा टायर ऐसे करके पूरा घिस रहा है, और बहुत ही बुरा वाला घिस रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं हल्का फुल्का, मतलब मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, बड़ा ख़तरनाक वाला घिसाई है। ठीक है, यहाँ तक तो देखो पूरा ख़राब हो गया, मतलब पता नहीं कितनी ज़िंदगी इसकी चलेगी। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक ही साइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड आपको दिखाऊँ तो यार देखो, पूरा नया टायर है, बिल्कुल सफाचट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये हो रहा है सिर्फ इस साइड से, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है। क्योंकि मान लो अगर ये इसके उससे हो रहा है, मान लो इसके बोल्ट से हो रहा है, जैसे कि मेरे को एक मैकेनिक भाई ने कहा था कि ये शायद इसके बोल्ट से हो रहा है। अगर मैं आपको बोल्ट दिखाऊँ, अगर दिख पाए बोल्ट, तो बोल्ट देख सकते हो आप, बोल्ट वहाँ पर है। ठीक है, तो अगर ये बोल्ट से हो रहा होता तो भाई बात यह है कि ये दोनों साइड होता, एक साइड नहीं होता। ठीक है, तो जब हमने चेक करा ना, ये ना इससे हो रहा है, ये दबने पे इससे लग रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से इस टायर को निशान पड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। सो द थिंग इज़ दैट कि ये कभी भी पहले नहीं हुआ है। मैं इसको लद्दाख भी लेके गया हूँ, और हैवी पिलियन के साथ, हैवी लगेज के साथ। अगर इसकी वजह से होना होता, कैरियर की वजह से, तो यार उस साइड भी होता, इस साइड ही हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि भाई जो सस्पेंशन है इसके, ये मैंने टाइट करे थे, ढीले भी नहीं करे, ढीले होने का सवाल ही नहीं है, और ये कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है। ये मे बी कोई पैच ऐसा आया हो जिसपे बहुत ज़्यादा जो बाइक है वो घुस गई हो, और जिसकी वजह से लग रहा हो, लेकिन लगना चाहिए था दोनों साइड से। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो सोल्यूशन आपको क्या है? एक और इशू है इसके साथ, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जो दूसरा इशू मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो इसका फेंडर है, ये भी ढीला हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, इसको मैं ऊपर करूँगा तो ये ऊपर हो गया, नीचे करा, ये देखो, ये जो है इसके बोल्ट आई थिंक ढीले हो गए हैं, ये देखो, तो ये पूरा ढीला हो गया है। ठीक है, अब इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता नहीं मुझे, लेकिन ये देखो, ये ऐसे नाच रहा है। ठीक है, तो ये जो दो बड़े मेजर इश्यूज़ हैं मुझे ये लग रहे हैं बाइक में। आप ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपने भी कुछ माउंट करा होगा, कभी आपने ये चेक करा है? मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको चेक ही नहीं करा होगा, उठा उठा के। मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि भाई देखते हैं। ये फेंडर ढीला होना इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, बट मेन कंसर्न ये टायर का घिसना है। और मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, तो आपके साथ हुआ है ऐसा तो ज़रूर बताना। अगर नहीं हुआ है तो बताना आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उसके अलावा चेन स्प्रॉकेट का एक अपडेट मांग रहे थे भाई। चेन स्प्रॉकेट में कोई अपडेट नहीं हुआ है, ना कोई आएगा। ठीक है, अगर 10,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर के बाद चेन स्प्रॉकेट चेंज करवा सकते हो तो इस बाइक को ले सकते हो, वरना यू नो दोस्तों, तो कोई अपडेट नहीं है, ना आएगा। आना होता तो अभी तक आ जाता। ठीक है, तो दैट्स द अपडेट। एंड दूसरा चेंज स्प्रॉकेट ट्राई करेंगे अब इस बार, जो भी होता है बताते हैं आपको। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। उसका सलूशन ये था कि ये जो बोल्ट थे स्पेंडर के, वो ढीले हो गए थे, अब टाइट करा दिया और अब जो ये नहीं हिल रहा है, तो दिस इज द सलूशन। ठीक है, और ये वाला बोल्ट तो बिल्कुल ढीला हो गया था, ये वाला जो है पूरा ही। अच्छा, डैम पेन में चेक करा लिया एंड सॉर्टेड हो गया। शायद इसी की वजह से ये जो है नीचे आ गया होगा, और टायर जो हमारा वो भी घिस गया होगा इसी वजह से। बट जो भी है, सोल्यूशन हो गया, दैट्स गुड। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।